नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। गुरुवार को यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले गए। इस दौरान 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन वोटिंग का आंकड़ा सिर्फ 60% तक पहुंच पाया, जो पिछले के मुकाबले 3% कम ही है। यानी पिछले बार पहले चरण में 63% मतदान हुआ था। इस बीच राकेश टिकैत का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के वोट कोको ले गई, जिसके बाद से राकेश टिकैत की ओर से इस्तेमाल किए गए इस कोको शब्द की काफी चर्चा हो रही है। आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी ट्वीट किया कि लोग कोको शब्द का मतलब डिक्शनरी में तलाश रहे हैं। क्या है कोको, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि गुरुवार को वोट डालकर बूथ से निकले राकेश टिकैत ने एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि हम तो वोट डालकर आए, अपनी एक वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत वोट यहां की बीजेपी वालों की कोको ले जाती देखी। ये सुनते ही आसपास के लोग हंस पड़ते हैं। सोशल मीडिया पर भी इस शब्द की खूब चर्चा होने लगी। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, ये कोको कौन है, ये क्या होता है? चलिए अब आपको बताते हैं क्या है कोको। दरअसल कोको बाज की एक छोटी नस्ल होती है। ये बेहद फुर्तीली होती है। पश्चिमी यूपी में अक्सर बच्चों को ठगने के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन दादा दादी या किसी बड़े को जब बच्चे से कोई चीज लेनी होती है तो पीछे छिपाकर कह दिया जाता है कि कोको ले गया। बच्चे आसमान की ओर देखने लगते हैं और तब तक सामान को जेब में रख लेते हैं। दरअसल राकेश टिकैत का संदेश यही था कि किसानों की नाराजगी की वजह से बीजेपी के वोट इस बार उससे छिटक गए हैं और विपक्षी दलों के खेमे में चले गए। एक साल से ज्यादा समय तक कृषि कानूनों के खिलाफ चले आंदोलन की वजह से किसान कथित तौर पर बीजेपी से नाराज बताए जाते हैं। राकेश टिकैत ने भले ही खुलकर SP-RLD गठबंधन का समर्थन न किया हो और इससे बचते रहे हों, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की बार बार अपील करते दिखे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।